रांची के मेन रोड में जो घटना घटी, क्या उसका असर यहाँ के चुनाव में कुछ पड़ेगा? इससे पहले 2019 में भी चुनाव प्रचार करने आए थे इन इलाकों में, और आप अभी जिनके खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उससे पहले आप उनके समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो कैसा इसमें अलग से अनुभव है? ईडी सीबीआई खनपट्टा अवैध उत्खनन के बाद झारखंड में उपचुनाव हो रहा है। मांडर उपचुनाव आप जानते हैं किस कारण से हो रहा है। यहाँ के जो विधायक रह चुके हैं उनकी विधायकी चली गई है आय से अधिक संपत्ति वाले मामले में। हम अभी बाबूलाल मरांडी जी के साथ हैं। चुनाव का जो दौरा चल रहा है वो एकदम चरम पर है, उनसे बात करने यहाँ पहुँचे हैं। सर, आप इससे पहले 2019 में भी चुनाव प्रचार करने आए थे इन इलाकों में, और आप अभी जिनके खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उससे पहले आप उनके समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो कैसा इसमें अलग से अनुभव है? अब समय समय की बातें हैं। अब 19 और 22 पूरा 3 साल का अंतराल हो गया, और इस 3 साल में क्या बोलते हैं, 2 वसंत गुजर गए, इसलिए कई नए कोपल आ गए, नए पत्तियां आ गए, कई पत्तियां झड़ गई। क्या है मुख्य मुद्दे इस बार चुनाव को? चुनाव की मुद्दा तो बिल्कुल साफ है, क्योंकि आज जो चुनाव हो रहा है जिस परिस्थिति में, एक तो करप्शन के कारण ही इनकी सदस्यता गई है और इस कारण से बाय इलेक्शन हो रहा है, और दूसरा सरकार के भी करप्शन, आए दिन आप देख रहे होंगे ईडी छापा मार रही है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, इलेक्शन कमीशन के पास भी है, और बार बार इलेक्शन कमीशन में आज भी डेट था जो पता चला कि उन्होंने माँ की बीमारी या शायद इसको लेकर के और समय की मांग की, और हाई कोर्ट में भी बार बार वो जांच नहीं हो इसकी वो प्रे कर रहे हैं। तो इसे समझ में आता है कि अगर गड़बड़ी नहीं होता तो फिर डरते नहीं, सरकार मुख्यमंत्री डरते नहीं और जांच किसी भी एजेंसी को दे सकते, लेकिन जब वो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो इसे बिल्कुल साफ है कि मामला गड़बड़ है और कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता है, इस कारण से वो जाँच से वो भाग रहे हैं। और पिछले दिनों भी देखे, जहाँ पूजा सिंघल के जो ठिकानों पर छापा मारा और करोड़ों रुपये जब बरामद हुई, तो दर्द किसको हुआ? हेमंत सोरेन को हुआ, उनकी पार्टी को हुआ। तो ये बिल्कुल साफ हो गया कि भाई उसका लिंक मुख्यमंत्री के यहाँ तक जुड़ा हुआ है, और तभी वो जांच को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से बड़े बड़े लॉयर को भी ला रहे हैं, डेट पर डेट ले रहे हैं। तो और उसी को लेकर के जनता के बीच भी आए हैं कि भाई जिस परिस्थिति में आज चुनाव हो रहा है, तो जनता को हमें एजुकेट करना, जनता को जागरूक करना कि हमारा दायित्व बनता है, धर्म बनता है, तो इस काम को हम कर रहे हैं। रांची के मेन रोड में जो घटना घटी, क्या उसका असर यहाँ के चुनाव में कुछ पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि मेरा तो मानना है कि रांची में जिस प्रकार से उस दिन घटना घटी, तो देख करके लगता है कि सरकार की ओर से ये प्रायोजित, इसलिए कि अगर पर्याप्त पुलिस बल हुआ करती तो फिर ये घटना होती ही नहीं। जब पुलिस बल नहीं थी, वहाँ पुलिस चिल्ला रहे थे, मैंने वीडियो में देखा कि और पुलिस को, फोर्स को भेजो, यानी एक प्रकार से लाचार और बेवस दिख रहे थे। तो हमें लगता है अगर पर्याप्त पुलिस बल होती तो ये घटना फिर होती ही नहीं रांची की सड़कों पर, और ये जानबूझकर के इन्होंने किया था, जो पिछले दिनों ईडी की कार्रवाई, हाई कोर्ट की, इलेक्शन कमीशन की, जो पूरा अखबार, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब जगह छाया हुआ था मामला, उसको डाइल्यूट करने के लिए इन्होंने एक अच्छा अवसर और अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाया, और इस कारण से गोलियां भी चली, लोग मारे भी गए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हमने कहा कि जो घटनाएं घटी हैं वो सरकार के
विफलता कहिए, और मैं तो कहता हूँ कि जानबूझ करके इस प्रकार की घटना को होने दिया। अभी जांच रिपोर्ट जो आ रही है उसमें कहा जाता है बाहर से लोग आए यहाँ रुके, और तो सरकार का खुफिया तंत्र तो लगता है पूरी तरीके से फेल है। पूरी तरह से फेल है मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरे जानकारी में भारत सरकार की खुफिया तंत्र था, राज्य सरकार को अलर्ट किया हुआ था कि घटनाएं इस प्रकार की गड़बड़ी हो सकती है, तब भी इन्होंने फोर्स को डिप्लाई नहीं किया। अगर पर्याप्त तो फोर्स रांची में डिप्लाई किए हुए रहते तो फिर ये घटना ही नहीं घटती। बाहर से तो लोग आए ही थे, लेकिन आखिर सरकार कर क्या रही थी, इसलिए मैंने कहा कि ये जानबूझ करके इन्होंने ये सारे मामला को डाइल्यूट करने के लिए इस प्रकार की घटना को घटित होने दिया है। जीत को लेकर कितने सुनिश्चित हैं? निश्चित रूप से इस बार परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा। जो मैं लगातार घूम रहा हूँ 11 तारीख से, और हमारी कोशिश है कि सभी पंचायत तक हम पहुँचे, और सभी जगहों पर जो लोगों के उत्साह हम देख रहे हैं, और हमारे कार्यकर्ता भी लगे हुए आप देख रहे होंगे मीटिंगों में, उन्हें भारी मात्रा में महिलाएं शरीक हो रही हैं। जब महिलाएं शरीक होती हैं मीटिंग में तो ये आप कह सकते हैं कि वो परिवर्तन का सूचक होता है।